तो गाइस, इनक्रेडिबल हल्क के पिछले एपिसोड में आपने देखा हल्क और रेड शी हल्क यानी कि ब्रूस बैनर और उसकी एक्स वाइफ हाल फिलहाल इन दोनों को थोड़ी सी मुसीबत आ रही है। मानता हूँ कि एक टूटी हुई रिलेशनशिप को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तब मुश्किलें और भी बढ़ जाती है जब इन लोगों के पास गामा एनर्जी होती है और इनको गुस्सा आ जाता है। हल्क का दुश्मन टेरेनस बेटी को अपने साथ मिला लेता है और ये लोग पेंडोरा बॉक्स को चुरा लेते हैं। इसके बाद बैनर डायरेक्टर सोफिया को किडनैप कर लेता है और वो अमाडियस की मदद बेटी के अनस्टेबल गामा लेवल्स को ठीक करना चाहता है। टेरेनस सोफिया को किडनैप कर लेता है, लेकिन फिर नाइट्स ऑफ रोम इन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। फिर हल्क नाइट्स को हरा देते हैं और टेरेनस उनके जादुई महल को हाईजैक कर लेता है, उसे एक हथियार बना देता है। और रोम एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। हल्क चिल्ला रहा है, बेटी हंस रही है, सोफिया कह रही है टेरेनस तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। टेरेनस बोलता है ओ तब तुम्हें बता दो कि मैं क्या कर रहा हूँ। सोफिया बोलती है तुम नाइट्स ऑफ रोम के एंशियंट मैजिक का यूज कर रहे हो और उनके हथियार को एक किलिंग मशीन में कन्वर्ट कर रहे हो। टेरेनस बोलता है मुझे भी यही लगा था, तो मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे एक दुश्मन का कचूमर बनाना है। लेकिन हल्क उसकी कैद से आजाद हो जाता है और अंदर घुसने की कोशिश करते हुए बोलता है टेरेनस अब बहुत हो गया। इधर अमाडियस कह रहा है हल्क सावधान रहो, डायरेक्टर सोफिया अब भी अंदर है और पेंडोरा कलश भी अंदर है। हम अब भी नहीं जानते कि उस कलश के अंदर क्या है, हम उसको टूटने नहीं दे सकते और तुम्हें बेटे को शांत करना होगा। वो कुछ ज्यादा ही मजे करने की कोशिश कर रही है और उसके गामा लेवल्स बढ़ रहे हैं। अगर तुम जल्द ही इन सबको खत्म नहीं करते हो तब वो हमेशा के लिए रेड शी हल्क फॉर्म में बनी रहेगी। हल्क कहता है तुम मुझे बहुत कुछ करने के लिए कह रहे हो, अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। टेरेनस हल्क के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम मरने के बारे में क्यों नहीं सोचते। वो हल्क को एक जोरदार पंच मारता और बोलता है लेकिन उसके अलावा मैं तुम्हें यहाँ से 10 मील दूर छटपटाते हुए देख सकता हूँ। वो हल्क को काफी दूर फेंक देता है और फिर बेटी भी हल्क के पीछे जाने लगती है। टेरेनस बेटी को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन सोफिया बोलती है ये तो हल्क की बीवी थी ना, जिसको लेकर तुम्हें घमंड हो रखा था कि तुमने उसको उसके हस्बैंड से दूर कर दिया। टेरेनस कहता है शट अप। सोफिया बोलती है तुम्हें अब भी बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आई। टेरेनस बोलता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरे पास कलश है ये शो चलता रहेगा। अब टेरेनस बोलता है रोम शहर के लोगों अपने डर को भूल जाओ। इसी बीच टेरेनस उस शिप की रेंज में आ चुका है और जनरल टेरेनस के ऊपर फायर करने के लिए बोलता है, लेकिन टेरेनस बड़ी आसानी से उनकी मिसाइल्स को रोक लेता है और कह रहा है इस नए सवेरे को स्वीकार कर लो, मैं तुम सब लोगों को कोलोसियम में बुलाता हूँ जो कि हमारी प्राचीन महानता का प्रतीक है, जहाँ तुम सब लोग उम्मीद के एक नए युग को शुरू होता हुआ देखोगे। इधर बैठी हल्क के पास पहुंच चुकी है। हल्क बोलता है शांत हो जाओ औरत, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जोकर मुझको चोट पहुंचा सकता है। बैठी बोलती है मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम तो मुझे जानते ही हो, मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करती रहती हूँ। बैठी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये देखकर हल्क भी बैनर में कन्वर्ट हो जाता है। उधर ग्लैडवेल अमाडियस के ऊपर चिल्ला रहा है, वो पूछता है कि हल्क कहाँ पे है और वहाँ पे क्या चल रहा है। अमाडियस बोलता है बस हमें कुछ मिनट दे दो। बैनर कह रहा है बेटी क्या सच में तुम हो। बेटी बोलती है गधे क्या लग रहा है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बैनर कहता है मैंने भी तुमको बहुत मिस किया, आई लव यू आई लव यू आई लव यू लव यू लव यू। बेटी बोलती है मैं जानती हूँ। बैनर कहता है मुझे लगा कि मैं तुमको फिर कभी वापस हासिल नहीं कर पाऊंगा। बेटी बोलती है मुझे भी लगा। बैनर कहता है मैं कसम खाता हूँ मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा, लेकिन तुम मुझे फिर कभी नहीं खोओगी। बेटी बोलती है मैं खो दूंगी, मैं उसको फील कर सकती हूँ अपनी चमड़ी के नीचे, एक आग की तरह जो किसी भी मिनट भड़कने के लिए तैयार है। तभी ग्लैडवेल बैनर से बोलता है हल्क बैनर तुम जो कोई भी हो, यहाँ पे 3000 गधे कोलोसियम के अंदर जा रहे हैं, कम ऑन मैन, इससे पहले कि यहाँ पे नरसंहार शुरू हो जाए तुम जल्दी आ जाओ। बैटी बोलती है ब्रूस क्या तुम एक बार के लिए इंसानों को अकेला नहीं छोड़ सकते। इधर सोफिया कह रही है नहीं टेरेनस, आखिर मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि इस कलश के अंदर क्या है, ये हम सबको मार सकती है। टेरेनस बोलता है और अगर हम कहानियों के ऊपर यकीन करें तो ये चीज इंसानियत को एक अनंत खुशी का तोहफा दे सकती है जो कि गॉड्स के टाइम से इंसानों से छीन ली गई थी। मैं खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ और मैं सोच सकता हूँ कि एक मैथोलॉजिस्ट होने के नाते तुम्हारे मन के अंदर भी यही उत्सुकता चल रही होगी कि तुम इस बॉक्स को खोलो, हालांकि तुम सुरक्षित रूप से इस महल के अंदर से सब कुछ देख रही होगी। तभी वहाँ पे हल्क आता है और चिल्लाता है
टेरानोस, उस औरत को जाने दो, वो कलश मुझे वापस दे दो और एक मर्द की तरह मुझसे लड़ो। सब लोग इस बात के ऊपर राजी हो जाते हैं और वो टेरानोस को हल्क से लड़ने के लिए बोलते हैं। टेरानोस बोलता है, एक मर्द की तरह मैं जानता हूँ कि एक बच्चे के ताने से कैसे निपटा जाता है। टेरानोस एक त्रिशूल बनाता है। तब बेटी बोलती है, तो एक औरत के ताने के बारे में क्या ख्याल है? सोफिया बोलती है, देखा उसने क्या बोला। टेरानोस बोलता है, तुम औरतों को जो बोलना है बोल लो, मैं 1400 साल पुराना हूँ, मैं इतनी आसानी से किसी के बहकावे में नहीं आता हूँ, और शायद तुम लोगों को पता नहीं है मेरे पास वो मिस्टिक फोर्स फील्ड है जिसे कुछ सेकंड्स पहले हल्क हाथ लगाने से डर रहा था। तभी उसके सामने अमाइडिस का होलोग्राम आता है और बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगता। टेरानोस बोलता है, लेकिन वो तो मैजिक है। अमाइडिस कहता है, लेकिन उस को एक डिवाइस चला रहा है, तो सोच लो। तो पाओ, हल्क एक ही झटके में उस आर्मर की दीवार के आर पार हो जाता है। टेरानोस के हाथ से कलश छूट जाता है और हल्क कलश और सोफिया दोनों को पकड़ लेता है। टेरानोस कहता है, तुम बेवकूफ मॉन्स्टर, तुम पागल औरत, तुम्हारे पास एक मौका था, तुम आने वाले युग को देख सकते थे। टेरानोस हल्क को जोरदार चाटा मारता है और बोलता है, लेकिन तुम इस मौके को अपने सामने से गुजरता हुआ देखोगे। वो अपने त्रिशूल से हल्क के ऊपर अटैक कर देता है। बेटी ब्रूस की मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सोफिया उसे रोकते हुए कहती है, ये मैजिक है, अकेला हल्क भी इसे नहीं संभाल सकता, तुम भी हल्क हो, तुम्हें हल्क की उस तरीके से मदद करनी पड़ेगी जिस तरीके से पिछली बार की थी। लेकिन हल्क मना कर देता है और फिर अमाइडिस भी मना करने लगता है। सोफिया पूछती है, अब तुम कौन हो? अमाइडिस बोलता है, अमाइडिस चो, हल्क का बेस्ट फ्रेंड। देखो तुम मेरी बात सुनो, अगर बेटी फिर से ट्रांसफॉर्म होती है तब वो फिर ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और इसी वजह से बैनर यहाँ पे आया था। अब बैनर बेटी के ऊपर चिल्लाता है, तो कोशिश भी मत करना, तुम ये कलश लो और भागो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हल्क टेरानोस के त्रिशूल को उसी के अंदर गाड़ देता है। वो महल भरभराकर नीचे गिर जाता है। अमाइडिस बोलता है, बढ़िया किया बेटी, तुमने उसको फिर से गुस्सा दिला दिया। तभी टेरानोस एक गन के साथ नीचे कूदता है और बेटी की तरफ तानते हुए बोलता है, तुम शानदार औरत, तुम्हारा हमेशा मिस यूज किया गया और तुम्हें छोड़ दिया गया, अपने आप को तोहफे के लिए तैयार कर लो। और फिर टेरानोस कलश के ऊपर गोली चला देता है। उस कलश के अंदर से एक फोर्स बाहर निकलता है जो कि बेटी के ऊपर हावी होने लगता है। उसके अंदर से आवाज आती है, पैरो। अमाइडिस बोलता है, जिस पैरो क्यों बोल रही है? सोफिया बोलती है, इसका मतलब है उम्मीद। हल्क चिल्लाता है, बैठी। लेकिन अब तक बेटी के ऊपर उम्मीद हावी हो चुकी है। वो बोलती है, वहीं रुक जाओ, मैं इस चीज को फील कर सकती हूँ और इसको रोका नहीं जा सकता। इमेजिन करो पवित्र उम्मीद को जो कि एक बोतल के अंदर बंद है, जिसे धोखा दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया, जो कि लाखों सालों तक सिर्फ अपने आप को खा रही थी, इसलिए उसने अपने फोकस को छोटा कर लिया जब तक कि उसकी उम्मीद बदले और तबाही में कन्वर्ट नहीं हो जाती। हल कहता है, तुम्हें जो कहना कह लो, अगर इसके साथ गुस्सा जुड़ा हुआ है तब वो मेरा डिपार्टमेंट है। वो उम्मीद हल्क के ऊपर अटैक करती है। हल्क नीचे गिर जाता है और बेटी को भागने के लिए बोलता है। बेटी बोलती है, स्टूपिड, वो तुमसे भी ज्यादा गुस्सा है। ब्रूस, तुम सिर्फ स्मैश करके इसको नहीं रोक सकते। हल्क कहता है, मेरा नाम ब्रूस नहीं है। और फिर उस सारी उम्मीद को अपनी तरफ खींचने लगता है। अपने मुंह के अंदर हल्क की बॉडी चेंज होने लगती है। वो उम्मीद को खाने लगता है। बेटी के ऊपर से उम्मीद का कंट्रोल छूट जाता है और ये उम्मीद हल्क को मार रही है। वो फिर से बैनर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर बेटी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर से हल्क में कन्वर्ट होता है और बोलता है, शट अप, मैंने तुमसे कहा था ना मैं ब्रूस नहीं हूँ। बेटी बोलती है, ओ ब्रूस, हाँ तुम ब्रूस हो। हल्क कहता है, मैंने कहा मैं ब्रूस नहीं हूँ। बेटी बोलती है, नहीं तुम चुप हो जाओ, तुम इतने ज्यादा प्रॉमिस करते हो, हर बार प्रॉमिस करते हो आई लव यू लव यू लव यू, लेकिन जब इस वर्ल्ड को तुम्हारी जरूरत पड़ती है या फिर स्मैशिंग की जरूरत पड़ती है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे अंदर हल्क है, बड़ा हरा गुस्से वाला, और ये कभी चेंज नहीं होगा और ये बात कभी नहीं बदल सकती। तुम मुझे उम्मीद रखने के लिए बोल रहे हो, बाढ़ में जाए उम्मीद, तो ठीक है मैं ये सब नहीं झेल सकती, लेकिन वो झेल सकती है। और फिर बेटी रेड सी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है और बोलती है, तो बेटी इसको नहीं झेल सकती, तो लगता है कि अब सब कुछ मेरे ऊपर है, बस एक दिक्कत है, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हल्क बोलता है, और तुम्हें लगता है कि मुझे फर्क पड़ता है? ये हल्क ने क्या कह दिया यार। अब बेटी टेरानोस को उठाती है और बोलती है, ठीक है रोमी, यहाँ से भागने का टाइम आ चुका है। टेरानोस बोलता है, जो तुम बोलो। माफ करना डॉक्टर बैनर, अब तक मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर बुला रहा था, लेकिन तुम तो एक बेवकूफ हो। आसपास के सब लोग हल्क को देखकर खुश होते हैं, लेकिन हल्क
अपने मन में बिल्कुल भी खुश नहीं है।